हाय फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। यहाँ पर एलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि बीजगणित व्यंजक जो था 8 क्लास का 9.2 तक हो गया था, ठीक है। 9.3 देखते हैं तो वहां पर क्या था, बाइनोमियल मोनोमियल जो था, मोनोमियल बाइनोमियल के साथ में मल्टीप्लाई करने के लिए हो गया था, माइनोमियल मोनोमियल और मोनोमियल मल्टीप्लाई करने के लिए सीखे थे ना। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं मोनोमियल टू बाइनोमियल, ठीक है। मोनोमियल टू बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करने के लिए देखेंगे कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक। मोनोमियल टू बाइनोमियल हो जाएगा, पॉलीनोमियल हो जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के लिए सीखते हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 4p, ठीक है। 4p को अगर 3 से मल्टीप्लाई करना है तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 12 हो जाएगा, जो वेरिएबल है वो वेरिएबल बढ़ जाएगा, सिंपल, ठीक है। ये था मोनोमियल टू मोनोमियल, ये मोनोमियल एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, मोनोमियल हो जाएगा, मोनोमियल टू मोनोमियल ये था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जो पढ़ना है मोनोमियल टू बाइनोमियल, ठीक है, उसके साथ में मल्टीप्लाई, जैसे ये 2p है, यहाँ पर 3p + 2 दे दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करना थी, इसको ये दो, यहाँ 2p और 3p को मल्टीप्लाई करके छोड़ देने से नहीं होगा, ठीक है। ये 2p को इसके साथ 3p के साथ और फिर से 2p के साथ में मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, इसी 2p को ही, एक बार 3p के साथ में, एक बार 2 के साथ में, यानी कि यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ही होगा, ठीक है। और फिर यहाँ प्लस का साइन, ये प्लस 2p जो है इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो जाता है, मतलब ये दोनों में बट जाना है, ये हो जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डिस्ट्रीब्यूट हो जाना, ठीक। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 6 हो जाएगा, p × p, p² हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर न्यूमेरिकल जो वैल्यू 2 2 = 4 हो जाएगा और p का p हो जाएगा, ये इस तरह से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आगे इसमें देखते हैं जो क्वेश्चन है 9.3 का, उससे पहले कुछ बता देते हैं एड करने के लिए। यहाँ पर एड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, तो कैसे एड किया जाता है और कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं, कर सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड इवैल्यूएट देम एज डायरेक्टेड, मतलब जैसा बोला गया है। यहाँ पर क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई करने के लिए बोल रहा है, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड इवैल्यूएट, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। इवैल्यूएट जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरह से है, फर्स्ट नंबर यहाँ पर 3y (2i-7) - 3y (4) - 63, ठीक है। फाइंड द वैल्यू फॉर y = -2 गिवन है, ठीक है, -2 है, इसके लिए इसका फिर वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, सिंप्लीफाई कैसे करना है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई कर देना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग जाएगा। यहाँ पर 3y (2i), यहाँ पर 3 2 = 6 और y (y²) हो जाएगा, माइनस का साइन माइनस, 3 7 = 21 हो जाएगा, ये y का y, माइनस का साइन है, याद रखना है माइनस का साइन, तो माइनस का साइन भी इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक। 3 तो दोनों साथ मल्टीप्लाई होगा ही होगा, साथ ही माइनस मल्टीप्लाई, -3 (y) - 3 (-4) - -4 हो जाएगा, -(-) हो गया, और -3 यहाँ पर -(-) हो गया, 3 4 = 12 हो जाएगा, -63, ठीक है। अब यहाँ पर इसको एक बार लिख लेना था, ठीक है, यहाँ पर स्पेस कम हो जाएगा, इसीलिए ऐसा करते हैं। यहाँ पर y वाले को एड कर देंगे, 6y अकेला है, लाइक टर्म ये दोनों है, ये दोनों है, इस दोनों को पहले एड कर देंगे, ये भी माइनस, ये भी माइनस, -(-) जीरो हो जाएगा, साइन माइनस करेगा, 21y और 3y, कितना y हो जाएगा, 24y, ये प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होने पर जो बड़ा का साइन है वही यहाँ पर साइन रहेगा, बड़ा 63 का साइन माइनस, यहाँ माइनस रहेगा, 63 में 12 को माइनस कर देते हैं, 63 में 12 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 51, ये हो गया 51, ठीक है। अब इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, कब, when y = -2, ठीक है। तो यानी कि जब जहां जहां y है वहां वहां -2 पुट कर देना है, तो 6 × y का वैल्यू -2² - 24 × y का वैल्यू -2 (-51), ठीक है। अब ये 6 × -² माइनस का अगर पावर इवेन हो,
ठीक है, तो ये प्लस होता है। अगर माइनस का पावर ओड हो, ठीक है, तो ये माइनस होता है। ओड मतलब वन थ्री जो टू का टेबल में नहीं आता, इवन मतलब जो टू का टेबल में आता है। जैसे यहाँ पर माइनस का पावर, अगर माइनस माइनस कुछ भी रह सकता है, माइनस सेवन माइनस फोर फाइव जो भी रहेगा, तो यहाँ पर अगर दे देते हैं फोर, तो माइनस का पावर ये जो है इवेन है, तो यहाँ पर ये माइनस का जो साइन था वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसके बाद जो सेवन का पावर फोर जितना आएगा वो तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। सेवन का पावर फोर कितना आ जाता है यहाँ पर, जो भी होता है सेवन का पावर फोर, यहाँ पर इसका वैल्यू निकालना पड़ता है ना। इसका कितना हो जाएगा, माइनस टू का पावर, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, टू का स्क्वायर फोर हो गया, ठीक है। माइनस ये माइनस इनटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 24 टू जब 48 और माइनस में 51, ठीक है। सिंपल होगा यहाँ से, अगर इसको ऐसा बनाए 6 4 24 और प्लस 48 माइनस 51, सिंपल होगा। अगर ये दोनों को यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दे, एक प्लस में एक माइनस से, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 51 में 48 को माइनस कर देंगे तो बच जाएगा 3। 12 साइन माइनस तो यहाँ भी माइनस, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 24 में 3 तो कितना बच जाएगा 21। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, इसका जो आंसर आ रहा है वो 21 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इससे आसान था, ये आसान है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या किया है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको दोनों साथ मल्टीप्लाई, इसको दोनों साथ मल्टीप्लाई, ये दोनों लाइक टर्म था, दोनों को जोड़ दिए, ठीक, ये रह गया। अब यहाँ पर जो इवैल्यूएट करने बोला था, वैल्यू फाइंड आउट करने बोला था, व्हेन वाई इज इक्वल टू माइनस टू, जहां जहां वाई था वहां वहां माइनस टू पुट कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया, मैंने यहाँ पर 21 आ गया, ठीक है। इसी तरह से एक क्वेश्चन इसी जैसा बिल्कुल सेम बनेगा, आसान भी है, ठीक है, ज्यादा टफ नहीं है, उसको आपको खुद से बनाना है। क्वेश्चन ये है, x इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस टू, ये है, ठीक है। इसको पहले क्या करना है, सिंप्लीफाई करके देखना है, सिंप्लीफाई, उसके बाद इसको इवैल्यूएट, इसका वैल्यू इवैल्यूएट करना है, व्हेन फॉर f इज इक्वल टू, एफ नहीं होगा, फॉर x इज इक्वल टू वन, ठीक है, x इज इक्वल टू वन, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, निकल जाएगा, उसके बाद जहां जहां x होगा वहां वहां ये वन पुट कर देना, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर बताना है, इसको क्वेश्चन नंबर वन दे देते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर वन बनाने वाला में से, होमवर्क में से ये क्वेश्चन नंबर वन है, इसका आपको बताना है आंसर कितना आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एड करने के लिए, एड करने के लिए दिया गया है, ठीक है, तो एड करने वाला जो है, दो एक्सप्रेशन है यहाँ पर, वो एक्सप्रेशन क्या है, फोर वाई थ्री वाई स्क्वायर प्लस फाइव वाई माइनस सेवन, ठीक है, एंड यहाँ पर एम है, और टू इंटू वाई क्यूब माइनस फोर वाई स्क्वायर प्लस फाइव है, ठीक है। इसको एड करना, एड करना वो सिंपल है, इसको क्या करना, पहले सिंप्लीफाई कर देना, सिंप्लीफाई मतलब इसको सभी साथ मल्टीप्लाई कर देना, 4y इंटू 3y स्क्वायर, 4 3 12 हो जाएगा, इसको एक बार लिख लेना होगा, लिख देते हैं प्लस का साइन, ठीक है। अब इसको y को सभी साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 4y को, 4y इंटू 3y स्क्वायर, तो 4 3 पहले न्यूमेरिकल वैल्यू, 4 3 12, y इंटू y स्क्वायर, y क्यूब, वाई ए वो है और वाई स्क्वायर गुना करें, इसके पावर में कुछ नहीं, वाई वाई सेम है, तो वाई लिखा जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है, तो वन और टू कितना जाएगा, थ्री हो जाएगा, वही हो जाएगा, वाई का पावर थ्री वही हो गया, लिख दिए यहाँ पर, फोर फाइव जो 20, एक वाई और एक वाई यहाँ, तो वाई का पावर दो, प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 7 जो 28, यहाँ पर केवल वाई, वाई बढ़ जाएगा, प्लस टू से भी साथ मल्टीप्लाई कर देना, 2y³ माइनस 4 2 8y स्क्वायर और प्लस 2 5 10, सिंपल है। यहाँ से इसको एड कर देना, कौन कौन सेम दिख रहा है, एक ये y³ लाइक टर्म है, 2y³ और 2y³ कितना जाएगा, 40y³ हो जाएगा, यहाँ से y स्क्वायर और कोई है, ये दोनों है, 20y स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर, प्लस माइनस घट जाएगा, बड़ा साइन है, प्लस प्लस 20 में 8 घटा देंगे तो यहाँ बच जाएगा 12y स्क्वायर, ठीक है। 28y में y अकेले है, 28y में नहीं घटाना है किसी भी, अकेले है,
और प्लस में बच गया 10। ठीक है, ये आ गया आंसर, ऐड करना था, ये हो गया आंसर। ठीक है, इसी जैसा यहाँ पर बनाना है, होमवर्क 2 दे देते हैं, यानी कि पहला तो हो गया था। ठीक है, सेकेंड होमवर्क में इसी तरह से ऐड करना है 5m 3 - m एंड यहाँ पर एंड 6m² - 13m इसको। ठीक है, इस दोनों को ऐड करना है, हो जाएगा, बहुत आसान है। अरे क्वेश्चन था मोनोमियल और पॉलिनोमियल का मल्टीप्लाई करने के लिए जो बताए थे, उसमें से 3p × 4p² + 5p + 7 इसको मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, इसको बना लेना है। ठीक है, मैथ में जितना ज्यादा खुद से प्रैक्टिस कीजिए उतना ज्यादा बेटर अपना हैबिट होगा। ठीक है, अपना उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, उतना ही अच्छा क्वेश्चन को बनाने के लिए सीख सकते हैं। मैथ में जितना ज्यादा बनाए उतना ज्यादा ठीक है। ठीक है, जहां तक कि बनाया हो क्वेश्चन, जो जान ले उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कीजिए, उसमें भी प्रॉफिट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी पहले बता चुके हैं। ठीक है, कह रहा है यहाँ पर 3p³ p-q वो कलर क्वेश्चन भी बताएंगे, भी नहीं बताए हैं वो कलर क्वेश्चन, और 2pq p+q। इसको पहले क्या करना है, सिंप्लीफाई कर लेना है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको दोनों साथ में गुना कर देंगे, 3pq × p, तो पी 3 का 3 p × p p² q का q अकेले है, माइनस का साइन माइनस, 3pq को q से गुना करेंगे, 3p और ये q है तो q × q q² फ्रॉम, अब इसको रखने देते हैं। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2pq के साथ में p, तो 2p² q हो जाएगा, प्लस का साइन प्लस, 2pq को q के साथ में, तो 2pq × q q² अब यहाँ पर इसको फ्रॉम, तो इसको पहले लिख देना है। ठीक है, इसको यहाँ पर क्या करेंगे, पहले लिख देंगे 2p² q + 2pq² - इसको लिख देना है माइनस में, 3p² q - 3pq². ठीक है, ये हो जाएगा सेम चीज, इसको वहां लिख दिए। अब माइनस करना, ये माइनस साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये प्लस में है माइनस हो जाएगा, और माइनस में है तो माइनस इंटू माइनस प्लस 3pq². ठीक है, ब्रैकेट नहीं होगा, और इधर जो है 2p² q + 2pq². ठीक, लाइक टर्म कौन कौन सा है, p² q p² q, ये दोनों माइनस हो जाएगा, तो 2p² q में 3pq² माइनस हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, क्या बच जाएगा, यहां से 3 में 2 घट जाएगा, 1 बचेगा। सिंपल है, यानी कि 3p² q में 2p² q घट जाएगा, तो p² q बचेगा, और ये दोनों लाइक टर्म, ये दोनों प्लस में एड हो जाएगा, 2p² 3pq² 5pq², ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज जो है इसमें भी मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लाई करने के लिए बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है 4p को मल्टीप्लाई करना है q + r के साथ में, तो ब्रैकेट दे देंगे। ठीक है, इसके साथ ही मल्टीप्लाई करने पड़े, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4p × q + r, दो टर्म है। ठीक है, दो टर्म रहेगा तो उसको ब्रैकेट बंद कर देना। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4p × q, तो 4pq प्लस का साइन, 4p × r, तो 4pr, ये हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। a + b को मल्टीप्लाई करना है 7a² b के साथ। ठीक है, a² b² इसको a के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7a² × a, a क्यूब हो जाएगा, और ये b² तो रहेगा, ये पूरा इसके साथ जाकर मल्टीप्लाई होगा ना, तो a का केवल पावर बढ़ जाएगा, एक यहाँ प्लस का सिंबल प्लस, ये पूरा इसके साथ जाएगा, तो 7a² लिखाएगा, b² × b, b³ हो गया, सिंपल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कॉलम है। ठीक है, कॉलम बनाकर इसमें फर्स्ट एक्सप्रेशन दिया हुआ है, सेकंड एक्सप्रेशन दिया हुआ, और प्रोडक्ट है। ठीक है,
फर्स्ट एक्सप्रेशन एक कॉलम में, फर्स्ट एक्सप्रेशन यहां पर, सेकेंड एक्सप्रेशन और यहां पर प्रोडक्ट गिवन है, ठीक है। यहां पर इसका प्रोडक्ट कितना होगा, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन दिया हुआ है ए माइनस सी, सेकेंड एक्सप्रेशन बी प्लस सी प्लस डी है, ठीक है। तो माइनस ए को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ए इंटू बी माइनस ए बी, माइनस ए इंटू सी माइनस ए सी, और माइनस ए इंटू डी माइनस ए डी, ये हो गया प्रोडक्ट। और नेक्स्ट दिया हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस माइनस फाइव है, माइनस फाइव और यहां पर है फाइव एक्स वाई, ठीक है। इसको इस तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ में, एक्स के साथ में पहले, तो फाइव एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, वाई अकेले है, फाइव एक्स वाई इंटू वाई, फाइव एक्स वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर, और ये फाइव एक्स वाई माइनस फाइव क्या हो जाएगा माइनस, और फाइव इंटू फाइव ट्वेंटी फाइव ये हो जाएगा, और फिर यहाँ एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से निकालना और बीच में क्वेश्चन से उसको आप बना लीजिए, ठीक है, बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, इसमें क्या कह रहा है, प्रोडक्ट निकालने के लिए, ठीक है, ये भी प्रोडक्ट ही निकालना है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस, क्या कह रहा है, ए नंबर में दिया हुआ है ए स्क्वायर इंटू टू ए का पावर ट्वेंटी टू इंटू फोर ए का पावर ट्वेंटी सिक्स, सिंपल है, इसका प्रोडक्ट निकालना है भाई। तो न्यूमेरिकल वैल्यू, ये न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, पावर में है, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू इसके साथ मतलब कोफिशियंट क्या है, फोर टू इसके साथ कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं तो वन हो जाएगा, फोर टू जा एट, सिंपल एट बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर बच गया ए का पावर टू ए का पावर थ्री ए का पावर टू इंटू ए का पावर थ्री नहीं ए का पावर ट्वेंटी टू है, ए का पावर ट्वेंटी सिक्स है, ठीक है, इस तरह से रहता है। तो इसका एक फॉर्मूला है ए का पावर, अगर ए ये सेम है, ठीक है, तो यहाँ पर जो भी रहेगा इसका पावर में, ये बेस जो सेम था सेम रखेंगे, और इसका जो पावर में होता है उस सभी पावर को क्या करते हैं, जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो एट ए ये सेम है, ए रहेगा पावर में, सभी को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, फिफ्टी आ जाएगा, ठीक है, फिफ्टीन आ रहा है, तो ये फिफ्टी हो गया, ठीक है। इस तरह से सभी का यहाँ पर प्रोडक्ट निकालना। और भी क्वेश्चन है, जैसे यहां देख सकते हैं ये माइनस टेन बाई थ्री पी क्यू क्यू इंटू सिक्स बाई फाइव पी क्यू क्यू, पी का पावर थ्री क्यू है, ठीक है। अब इसका अगर प्रोडक्ट निकालते हैं यहां पर, तो फाइव वन जा फाइव नीचे में, फाइव टू जा टेन, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, अब क्या बच गया, टू टू, टू टू जा फोर हो गया, ये माइनस इंटू प्लस माइनस रहेगा, टू टू जा फोर हो गया, पी इंटू पी क्यू, पी का पावर फोर, क्यू का पावर तीन और क्यू का पावर एक, क्यू का पावर चार, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, ये भी आसानी सही है, आप बना लीजिए उसको, एक्स टू बाई थ्री एक्स वाई इंटू माइनस नाइन बाय टेन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको बना लीजिए, बिल्कुल सेम है, ठीक है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन और क्या मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेरे लिए आसान है, ये सबके लिए आसान है, बस इसको ठीक से बनाना है, ठीक है, अच्छा से समझना है और इसको प्रैक्टिस करना है, एकदम एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में, गारंटी लेते हैं एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। और पूरा मैथ अगर बता दें, पूरा वीडियो अगर देख लेते हो, तो 100% गारंटी है कि क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, लेकिन हाँ सारा अच्छा से समझना होगा और जितना प्रैक्टिस करना है, बुक में जितना क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन और यहाँ जो बनाने देते हैं वो सभी को बनाना है, प्रैक्टिस करना बुक वाला, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन, ठीक है, सिंप्लीफाई एंड फाइंड इट्स वैल्यू फॉर ए इज इक्वल टू जीरो ए इज इक्वल टू वन के लिए, दो यहाँ पर दो क्वेश्चन है इसमें, तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ए इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए इंटू ए स्क्वायर, यहाँ पर दो बार पहले से मल्टीप्लाई में एक बार यहाँ थ्री बार हो जाएगा, प्लस में ए ए इंटू ए स्क्वायर, प्लस में ए इंटू ए हो जाएगा, और प्लस में फाइव हो जाएगा, बस ये सिंप्लीफाई हो गया और इसमें कुछ होगा ही नहीं, लाइक टर्म मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ वेन ए इज इक्वल टू जीरो, जब ए का वैल्यू जीरो हो,
ए जहां जहां वहां वहां क्या बिठा देंगे, जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो प्लस फाइव, तो ये सभी क्या हो गया, जीरो हो गया, क्या आ गया आंसर, ये फाइव आ गया। इसका नेक्स्ट अगर सेकेंड नंबर देखें तो ए इज इक्वल टू क्या है, वन है, ठीक है, ये क्या आ रहा है, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस फाइव, ए की जगह पर वन का क्यूब, ए का स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर प्लस वन प्लस फाइव, ठीक है, ए का क्यूब कितना होगा। चलिए यहां पर देखिए किसी भी संख्या का, ठीक है, अगर पावर में मान लेते एक का पावर, यहाँ पर एक का पावर अगर एक लाख रख दे, ठीक है, एक लाख लिख दे, तो इसका पावर, इसका वैल्यू जो होता है एक ही होता है, एक का पावर कितनों करते हैं यहाँ पर, इसका वैल्यू एक ही होगा, ठीक है। तो आपको बताना है यहाँ पर अगर हम लिखें एक लाख, ठीक है, एक लाख ऐसा है तो एक लाख लिख के रखा है, एक लाख, ठीक है, चुपचाप इसमें जाकर कोई जीरो बिठा दिया पावर में, ठीक है, जीरो बिठा दिया गलती से या तो चाहे जैसे भी बैठा हो, तो इसका वैल्यू कितना होगा, ठीक है, या तो यहाँ पर वन का पावर जीरो कर दे, पावर में अगर जीरो बैठा दे तो इसका कितना होगा, ठीक है, इसका आंसर बताना है। तो यहाँ पर क्या बोले, एक का कितना भी पावर में रहे एक ही होगा, एक का पावर में तीन एक ही होगा, एक ही होगा, एक और पांच कितना हो जाएगा, छह हो जाएगा, यानी कि अब इसको एड कर देंगे कितना हो जाएगा, सिक्स, वन सेवन और वन एट हो जाएगा, ये हो गया एट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहां से कौन कौन लिखा गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, है ना, मतलब बचा हुआ है। इतना करने से फायदा है, इतना उलझन में नहीं। इसको क्या करते हैं, कौन कौन लाइक टर्म था, एक्स वाई ना, इस एक्स वाई को बस चुपचाप लिख देना डेड करके एक ही बार में, एक्स जेड टू एक्स स्क्वायर, और इसमें माइनस ईवी माइनस, माइनस माइनस साइन माइनस ही रहेगा लेकिन दोनों एड हो जाएगा, टू एक्स वाई टू एक्स वाई, फोर एक्स वाई प्लस टू वाई जेड माइनस टू, ये वाला वाई स्क्वायर बच्चे वो लिख दी, हो गया। चलिए ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, और भी क्वेश्चन एड करने वाला बिल्कुल आसान है, ऐसा ही उसको बना लेना है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट देखते हैं बस, ये एक्सरसाइज फिर खत्म हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट देखते हैं क्या कहा है इसमें, सब्ट्रैक्ट में किस तरह का क्वेश्चन आता है, थ्री ए ए प्लस बी प्लस सी माइनस टू बी ए माइनस बी प्लस सी, इसको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम फोर सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इससे यहां पर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है यहां पर, इसको पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, थ्री ए मल्टीप्लाई कर देते हैं तो थ्री ए इंटू ए क्या हो जाएगा, थ्री ए स्क्वायर प्लस थ्री ए इंटू बी क्या हो जाएगा, थ्री ए बी, और प्लस में थ्री ए इंटू सी थ्री ए सी, थ्री ए सी माइनस का साइन सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस टू बी इंटू ए, तो माइनस टू ए बी लिख सकते हैं, ए को पहले लिख दिए, इस ए को पहले और इसमें जो बी है उसको बाद में लिख दें, ठीक है। अब यहां से क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस टू बी इंटू बी, तो माइनस यहां भी और यहां भी माइनस इंटू माइनस प्लस, और टू बी इंटू बी टू बी स्क्वायर हो जाएगा, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, टू बी इंटू माइनस टू बी इंटू प्लस सी, तो प्लस इंटू माइनस माइनस टू बी इंटू सी, तो टू बी सी हो जाएगा, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे कह रहा है फ्रॉम, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फोर सी इंटू माइनस ए, तो माइनस फोर ए सी लिख सकते हैं, ए को पहले लिख दिए, और ये प्लस में यहाँ प्लस, ये प्लस प्लस रहेगा, फोर सी इंटू बी तो फोर बी सी, और यहाँ प्लस में फोर सी इंटू सी तो फोर सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आगे इसमें क्या करना है, लाइक टर्म कौन कौन सा है, ए स्क्वायर रहने देते हैं अभी, ए स्क्वायर, ठीक है, ए बी एक यहाँ है, ए बी एक यहाँ है और नहीं है, तो थ्री ए बी प्लस में टू ए बी माइनस में, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो थ्री ए बी में टू ए बी माइनस हो जाएगा, तो कितना ए बी बचेगा, वन ए बी, वन को नहीं लिखना है, केवल ए बी लिख देना है, ठीक।
अब हो गया यहाँ से ये बीसी और ये बीसी, थ्री बीसी में टू बीसी, ये प्लस ये माइनस, थ्री बीसी में टू बीसी माइनस कर देंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, ए सी है ना, ये ए सी है, ये ए सी नहीं है, ठीक है ठीक है ठीक है, ये ए बी वाला हो गया है, और कौन सा है, यहाँ था यहाँ ए सी है, रहने देते हैं ए सी, और प्लस ये टू बी बचा हुआ है, टू बी स्क्वायर और माइनस टू बी सी, ठीक है, कोई मिल नहीं रहा था, एक ही मिल रहा था, ठीक है, फ्रॉम ये तो ठीक है, यहाँ तो कोई मिल ही नहीं रहा है, फ्रॉम इसको माइनस फोर ए सी प्लस फोर बी सी प्लस फोर सी स्क्वायर, ठीक है, इसमें क्या करना है, इसमें माइनस करता है इसको, ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले उसको लिख देंगे, फ्रॉम के बाद जो रहता है पहले इसको लिख दिया जाता है, ठीक है, यहां से ये माइनस फोर ए सी प्लस फोर बी सी और प्लस फोर सी स्क्वायर, और माइनस में ये लिखा जाएगा पूरा, तो पहले बताए हैं कि जब भी माइनस करना रहता है, माइनस के बाद जब एक या उससे एक रहेगा तो उसमें ब्रैकेट नहीं डाला जाता, एक से अधिक रहेगा, ज्यादा टर्म्स रहेगा, ठीक है, मतलब पॉलीनोमियल रहेगा, ठीक है, तो उसको ब्रैकेट में लिखना है, मतलब इस पूरे को थ्री ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस थ्री ए सी प्लस टू बी स्क्वायर माइनस टू बी सी को ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखने का क्या प्रॉफिट है, ये जो है साइन इसका चेंज हो जाएगा सबका, ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा तो चेंज कर सकते हैं, माइनस फोर ए सी इसमें नहीं चेंज होगा, इसमें चेंज होगा, माइनस में लिखा जाएगा थ्री ए स्क्वायर, ये प्लस जहां जहां वहां वहां माइनस, जहां माइनस है वो प्लस में, ठीक है, माइनस ए बी माइनस थ्री ए सी माइनस टू बी स्क्वायर और प्लस में टू बी सी होगा, अब यहां पर क्या करना है, देखना है कौन कौन सा मिल रहा है, कौन कौन सा लाइक टर्म है, ए सी और ए सी है यहाँ पर, तो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, माइनस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस ही रहेगा लेकिन एड हो जाएगा, फोर ए सी और थ्री ए सी सेवन ए सी, ठीक है, यहाँ पर फोर बी सी है, ये बी सी और ये बी सी है ना, ये हो जाएगा, तो फोर बी सी प्लस में टू बी सी प्लस में, फोर और टू कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सिक्स हो जाएगा, सिक्स बी सी, क्योंकि दोनों प्लस में एड हो जाएगा, यहाँ पर ये फोर सी स्क्वायर, सी स्क्वायर है कहीं नहीं है, प्लस में फोर सी स्क्वायर हो जाएगा, और कौन सा बचा है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया है ना, ये तीन हो गया, अब क्या करना है, ये माइनस थ्री ए स्क्वायर है और ए बी है, ए बी कहीं पर नहीं था तो ए बी का ए बी रह जाएगा, माइनस ए बी और थ्री ए सी तो एड हो गया इसके साथ में, थ्री ए सी एड हो गया है, माइनस टू बी स्क्वायर नहीं एड हुआ किसी के साथ, वो रह जाएगा, और यहां से फिर ये तो एड हो गया है, ये आ गया, ठीक है, यहाँ पर कौन कौन सा एड हुआ था, ये एड हो गया इसके साथ और एक इसके साथ, ठीक है, ये तो यहां से क्या बचेगा, एक दो तीन चार पांच, ये एड हो गया था छ, एक दो तीन चार पांच छ, सही है, ये इसका आंसर होगा, ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा ये लंबा है, थोड़ा सा चल जाता है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यही सब्ट्रैक्ट वाला ही है, थ्री एल एल माइनस फोर एम प्लस फाइव एन फ्रॉम फोर एल टेन एन माइनस थ्री एम प्लस टू एल सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले उसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहां पर लिख सकते हैं क्योंकि ये छोटा है, एक ही बार में कर सकते हैं, फोर एल टेन एन माइनस थ्री एम प्लस टू एल, ये माइनस में हो जाएगा 3l और l माइनस फोर एम प्लस फाइव एन, यहां से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, फोर टेन से कितना जाएगा 40 ln ln माइनस
फोर एल माइनस थ्री एम इंटू करना है तो क्या हो जाएगा, फोर थ्री जा टू एल और ये एल एम प्लस का साइन प्लस, फोर टू जा एट एल इंटू एल एल स्क्वायर, इसको इसके साथ थ्री इन थ्री एल इंटू एल, थ्री का थ्री रहेगा क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, एल इंटू एल एल स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस, थ्री फोर जा ट्वेल्व एल एम माइनस इंटू प्लस माइनस, थ्री फाइव जा फिफ्टीन एल एम हो जाएगा। माइनस का साइन साथ में सबका मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब यहाँ लाइक टर्म खोजना है, लाइक टर्म कौन सा है, फोर्टी एल एन, फोर्टी एल एन ये एल एन, फोर्टी एल एन में फिफ्टीन एल एन माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, फिफ्टीन ट्वेंटी फाइव एल एन, ठीक है ट्वेंटी फाइव एल एन बच जाएगा। ये दोनों हो गया एल एम, ये एल एम और ये एल एम, ट्वेल्व एल एम माइनस में, ट्वेल्व एल एम प्लस में, दोनों घट के जीरो, ये दोनों खत्म हो गया, ठीक ये दोनों खत्म हो गया। और बच गया ये एट एल स्क्वायर और थ्री एल स्क्वायर, एट एल स्क्वायर में थ्री एल स्क्वायर माइनस कर देना कितना बच जाएगा, फाइव एल स्क्वायर, दोनों में बड़ा कौन, एट एट का साइन प्लस यहाँ भी प्लस, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये खत्म हो गया, इसमें क्वेश्चन कुछ बनाने दिए हैं, ठीक है नहीं बनाने दिए हैं तो अपने से देते हैं क्वेश्चन है, और नहीं अपने से देते बनाने, ठीक है तो क्वेश्चन अपने से है, टू ए इंटू थ्री ए प्लस थ्री बी माइनस सी फ्रॉम फ्रॉम दे देते हैं यहां पर बी इंटू थ्री ए बी इंटू माइनस ए प्लस थ्री बी माइनस टू सी, इसको सब्ट्रैक्ट इसको भी करना है, ठीक है सब्ट्रैक्ट करना है, इसको बना के देखना है, ठीक है इसमें यही तक रहने देते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आता हो अच्छा लगता हो तो अपने फ्रेंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंच सके, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट सीख सके, ठीक है। और कोई भी क्यूरीज हो कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ये प्रॉब्लम होता है बीच बीच में, ठीक है।